गाइस आप ये देख रहे हैं, ये कुछ साइंस कॉलेज के बच्चे हैं जो छात्र एकता का नारा लगा रहे हैं। इनका नारा लगाने का महत्व एक ही है कि ये छात्र एकता के माध्यम से कुछ वो क्या बोलते हैं, मतलब इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। ये इनकी मांगे हैं जो कि ये प्रिंसिपल के सामने जाए के प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इसलिए छात्र एकता का नारा आज साइंस कॉलेज जबलपुर में लगाया जा रहा है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखते ये है जमतरा। तो दोस्तों ये देख रहे हो, ये जो दृश्य दिख रहा है ये जमतरा का दृश्य है, जो कि हम लोग भी कॉलेज से आए हुए हैं। तो देख रहे हो कि यहाँ पर जो है कि हमारे साइंस कॉलेज से इसकी जो दूरी है वो 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जो व्यू दिख रहा है ये पूरा अभी बोलो ग्रीन दिख रहा है। देख रहे हो ये नर्मदा रिवर जो नीचे से बह रही है। तुमको पाके तुमसे जुदा पाते कभी ना, तू भूलना कोई तेरे खातिर। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप तुम मस्त होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो भैया हम लोग आए हैं कौन सी जगह भैया? जमतरा। तो हम लोग आए हैं जमतरा घूमने, जो कि जबलपुर में है। और भाई मैं यहाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ की जो ब्रिज है ना बहुत शानदार ब्रिज है यार। देखो ये क्या हावड़ा ब्रिज की याद आ जाती है इसको देखिए। देखो वैसे पूरा सेम टू सेम ब्रिज। गाइस हम लोग तो कॉलेज से आए हैं यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि ये कॉलेज से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। सो देख सकते हो इसके पूरे चारों तरफ का व्यू कैसा है भाई। तो गाइस कमेंट करके बताना यहाँ आप लोग आना चाहते हो तो बताना कैसा है। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देख सकते हो मैं आपको पीछे का व्यू और दिखा रहा हूँ। सो गाइस देख सकते हो ये दो ब्रिज हैं, एक ये वाला जो ये लोह का पूरा बना हुआ है ये वाला ब्रिज, और एक और ब्रिज है ये जो दिख रहा है ये। सो गाइस देख सकते हो हम इतने ऊपर हैं, ये देखो ये यहाँ से नीचे देखने में भी डर लगता है गाइस। बाकी ब्रिज बहुत शानदार है गाइस, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को आना है तो आ सकते हो यहाँ घूमने भागने के लिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं है बाकी दिखने में अच्छा है। और यहाँ ब्रिज का नज़ारा अच्छा दिख रहा है और मां नर्मदा की नदी जो बह रही है देख रहा हूँ गाइस। और गाइस ये देख रहे हो इस साइड गए, यहाँ से बहुत बहुत इस साइड गया है यार, राना थोड़ी गाड़ी का कर दिया। सो गाइस देख सकते हो यहाँ का व्यू का नज़ारा कितना सुंदर नज़ारा है। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है ये जगह देखने में। गाइस जो एक बड़ा सा वो ब्रिज दिख रहा है उस ब्रिज साइड अभी हम लोग गए थे भाई, हम लोग पता नहीं था कि इस साइड ब्रिज है, फिर हम लोग फिर से दोबारा घूम के आए तो फिर यहाँ आए गए। बाकी यही चीज़ है भाई, यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है। जहाँ से नर्मदा नदी बहती है इसकी नज़ारा बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिख रहा है। सो गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया है उसको जाके प्रेस करो और ऑल पे जाके नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको पूरा मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो ये यहाँ कुछ दुकान है माता की पूजा पाठ के लिए, मतलब ये जो नर्मदा नदी है ना यहाँ पूजा पाठ के लिए यहाँ कुछ दुकानें लगी हुई हैं ये देख रहे हो। और एक टपरी सा वहाँ पर था शायद, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसके बाद और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो इतने मोटे मोटे हैं गाइस, इसके आप बढ़िया पुल का नज़ारा।
यहाँ कूद के देख, डर भी लग रहा है यार, नहीं जा रहे हैं। गाइस यहाँ की जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है यहाँ की सबसे आकर्षक जो ये ब्रिज है यही है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है देखने के लिए। बाकी ये दिख रहा है, ये नर्मदा नदी बह रही है, यही है, यहाँ नहा सकते हो, आ सकते हो। तो ये ब्रिज के कारण फेमस है, जैसे आप सब देख सकते हो यहाँ की ये। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन भी जाती है ऊपर से ब्रिज से होके, मेरे को पहली बार पता चला कि यहाँ ऊपर से ट्रेन भी जाती है। देखो ब्रिज बना है गाइस, ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जाती है, शायद रेल के डिब्बे वब्बे हैं उसमें। देख लो क्या एक चीज़ मिलता है कि ऊपर से ट्रेन। और गाइस तो गाइस आज की वीडियो यहीं। सो गाइस जैसे कि आप सब देख चुके हैं कि यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छा सा ब्रिज है, बाकी ये सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल ही है। सो गाइस आप लोग एक चीज़ करना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगा, बाकी आप बताना अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ जो ये प्लेस है सिर्फ ये अच्छा है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो ये ब्रिज है ना सबसे मेन चीज़, ये ब्रिज ही सबसे ज़्यादा आकर्षक है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये ब्रिज आपको किसी चीज़ को देखने के लिए याद दिलाती है। जैसे आप सबको पता है कि कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, जिसको देखने पर ऐसा लगता है कि ऐसे ब्रिज के समान है। तो भैया आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर, लाइक कर, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार ही पूछता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। सो ओके आज के लिए यहीं तक, और दोस्तों बताने कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन बाद मेरा मोटो ब्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको मोटो ब्लॉग वाला भी सिर्फ इसी चैनल मोटो ब्लॉग रहेगा, तो उसमें मैं आपको मोटो ब्लॉग से रिलेटिव वीडियो डालूँगा। तो और बताना आपको किस टॉपिक पर न्यू वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।